जी जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कंदकोट कोहिनूर फ्लोर मिल के मकाम पर। महकमा खुराक की नाअहली के वजह से जो है दो साल कबल खरीदी गई गंदम जो करोड़ों रुपये की लागत से खरीदी गई गंदम जो है वो यहाँ खुले आसमान तले जो है गैरकानूनी रखने की वजह से जो है यहाँ हालिया बारिशों और जो है धूप लगने की वजह से जो है बोरियाँ फट पड़े हैं, जिसकी वजह से जो है यहाँ गंदम मुकम्मल तौर पर जो है वो ख़राब हो गए, जिसकी वजह से सिंध हुकूमत को लाखों रुपये बल्कि करोड़ों रुपये का नुकसान हो। मेरा कैमरा मैन दिखा सके कि ये बोरियाँ जो है फटे पड़े हुए हैं या गंदम जो है मुकम्मल तौर पर ये ख़राब हो चुका है, जिसकी वजह से जो है यहाँ सिंध हुकूमत को लाखों रुपये का नुकसान हो। यहाँ का जो अमला है महकमा खुराक का अमला जो है वो मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका है। हमने जब उनसे रब्ता करने की कोशिश किया, मौकफ़ लेने की कोशिश की, उन्होंने मौकफ़ देने से जो है साफ इनकार कर दिया। एक तरफ जो सिंध के अजला थर में जो है फाका कशी चल रही है, बच्चों का अमवात में जो है जो खुराक ना होने की वजह से, गंदम ना होने की वजह से जो है बच्चे मर रहे हैं, बूढ़े मर रहे हैं, ख्वातीन मर रहे हैं, तो दूसरी जानब जो है यहाँ कंदकोट शहर में जो है गंदम जो है यहाँ दो साल से मुसलसल पड़ा हुआ है, गैरकानूनी तौर पर फूड गोदाम में रखने के बजाय जो है यहाँ खुले आसमान तले जो है यहाँ रखा गया है, जिसकी वजह से जो है सैकड़ों की तादाद में बोरियाँ जो है वो नाकारा हो चुके, गंदम जो है वो ख़राब हो चुका है, जिसकी वजह से सिंध हुकूमत में को जो है लाखों रुपये का नुकसान हुआ है। यहाँ का अमला जो है मौकफ़ देने से इनकार कर रहा है। यहाँ के कंदकोट के सियासी समाजी रहनुमाओं ने फिलफोर वज़ीर आला सिंध बिलावल भुट्टो जरदारी से मुतालबा किया है कि फिलफोर यहाँ के जो नाअहल और करप्ट जो महकमा खुराक का अमला है जिन्होंने नाअहली बरसी है उनके खिलाफ जो है कार्रवाई की जाए और यहाँ जो गंदम रखी गए इनको सेफ़ जगह पर रखी जाए ताकि मज़ीद नुकसान से बचा जा सके। जी